अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं सबसे पहले करती हूँ चूल्हे को साफ और उसके बाद में बनाऊंगी चाय। साफ सफाई मेरी हो चुकी है और मैंने चाय बनने रख दी है। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बच्चों को उठाती हूँ उसके बाद में। आफिया की रात कटिंग करवाई थी आगे से, क्योंकि आगे से मैंने नहीं करी थी क्योंकि ज़्यादा लेंथ उनकी लंबी हो रही थी, तभी मेरे से ख़राब हो जाए, तो मैंने रात करवाई थी। आरिश खड़ा हो जल्दी से। और आफिया रात ही नहाई थी, मुझे डर भी लग रहा था कि इनको फीवर नहीं हो जाए, रात को नहलाना सही नहीं है। और इधर बनी है तक मैं चलती हूँ बाहर, मैं करती हूँ बाहर की सफाई, क्योंकि मैंने अभी बाहर की नहीं की थी। तो चलिए मैं करती हूँ बाहर की सफाई। चाय में उबाल आएगा गाइस, इतना मैं लगा लेती हूँ जल्दी से बाहर का पोछा, झाड़ू डस्टिंग तो मैं जल्दी से कर ही आई हूँ। बर्तन तो देखिए मेरे सारे धुल गए हैं और मेरा रह रहा है बस कुकर, मैं इसको कर लेती हूँ जल्दी से खाली। रात मेरे को लगी थी उड़द चने की दाल, ये मैंने सुबह गर्म कर दी थी और मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। और मैं हंडी आके बनाऊंगी, मैं जल्दी से कुकर ऑन कर देती हूँ। फ्रिज में रख दी है दाल और देखिए मैंने मंगाया था गोश्त, माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा ला के दिया इन्होंने, इसको मैं आके बनाऊंगी। बच्चों के लिए निकालती हूँ मैं कपड़े, कौन से पहनाने हैं मुझे, ये मैंने कल प्रेस की थी और परसों दो दिन बैठ के प्रेस की है मैंने, जब जाके ये हुई है, वरना मेरे से प्रेस नहीं होती। माशाल्लाह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, तो ये कपड़े मैंने कल किए थे और ये मैंने परसों किए थे, बच्चे मेरे पास थे नहीं तो मैंने तसल्ली से आराम से बैठ के और ये प्रेस कर ली थी। काफ़ी दिन से प्रेस कर रही नहीं थी ना मैं, तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी मुझे ये करनी। मैं निकालती हूँ बच्चों के लिए कपड़े। तो गाइस बुरखा मैंने पहन लिया है और अब मैं नकाब बांध रही हूँ और मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। और आफिया भी तैयार हो गई हैं और आरिश भी तैयार हो रहे हैं। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और मैं घर आ चुकी हूँ और ये देखिए निशान, मैंने वोट डाल दी है, इनके अब्बू ने भी डाल दी है वोट। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे क्योंकि बच्चे चले गए थे दादी के यहाँ, आ गए थे 11 बजे ट्यूशन से आके वो वहीं जाएंगे। और आफिया से मैंने कहा था कि चलोगी मेरे साथ वापस, तो आफिया ने मना कर दिया था, तो फिर मैं अकेली आ गई इनके साथ में और मैंने हंडिया चढ़ाई हुई है। चलती हूँ देखती हूँ कि मेरी हंडिया हुई या नहीं। और फ्राइडे मार्केट से मैंने कुछ सब्ज़ी भी मंगाई थी, लेकिन फ्राइडे मार्केट आज लगा नहीं था तो ये दुकान से ही ले आए, क्योंकि आलू प्याज फ्राइडे मार्केट में अच्छा नहीं जाता है। तो इधर देखिए मेरी बुनाई हो रही है, इधर मैंने आलू कट करके रखे हुए हैं, ये देखिए हरा धनिया। मेरे पास नहीं था टाइम, मुझे हो रही थी बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तो मैंने जल्दी से आलू और ताते चढ़ा दिया था, क्योंकि ये बहुत इजी बन जाते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। और इधर निकाला हुआ है मैंने आटा, उसको बनाऊंगी मैं रोटी। और इधर मेरा आलू गोश्त हो गया है तैयार, ये देखिए
और अब चलती हूँ नमाज पढ़ने के लिए। नमाज मैंने पढ़ ली है, अब मैं लगाती हूँ ये कपड़े अलमारी में, ये कल से ही रखे हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताया करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।